वेलकम गाइस, मैं सर संजय शर्मा फ्रॉम मार्कोस फिजिकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जल्द से जल्द आपके डाइट से रिलेटेड चीज़ों को मैं लेके आने वाला हूँ कि रनिंग के लिए आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें अपने डाइट में, पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट पर बात करने वाला हूँ। जैसा कि बिहार दरोगा के फिजिकल में कम से कम समय मिला है हमें, तो इन कम समय में हमें अपनी रनिंग को लाना है, 1600 मीटर को लिमिटेड टाइम के अंदर कंप्लीट करना है, अपने लॉन्ग जंप हाई जंप को कंप्लीट करना है, अपने शॉर्ट पुट को कंप्लीट करना है। तो इस चीज़ों को कंप्लीट करने में बॉडी काफ़ी एफर्ट लगाएगी, काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। तो जब बॉडी मेहनत करेगी तो बॉडी को सही डाइट की भी आवश्यकता है। तो हमारा डाइट प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, खान पान का क्या ख्याल रखना है, क्या चीज़ खाना है, क्या नहीं खाना है, किन चीज़ों से परहेज करना है, किस चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे खाते रहना है, तो ये सारी बातें आज हम इस अपने वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका डाइट प्रोग्राम कितने तरह का होना चाहिए। दो तरह का डाइट प्रोग्राम हम चला रहे हैं। तो एक तो रहेगा आपका फैट लॉस प्रोग्राम, जिसमें कि आपका अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका वजन ज़्यादा है तो अल्टीमेटली उसको अपना वजन कम करना ही पड़ेगा किसी भी तरह के फिजिकल को बरकरार कर फिजिकल को क्लियर करने के लिए, और साथ ही अपने फिटनेस को बरकरार रखने के लिए भी उसको अपना वजन कम करना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे फैट लॉस डाइट पे कि फैट लॉस करने के लिए आपको किस किस तरह से डाइट प्रोग्राम यूज़ करना है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को खाने से पहले हमें ये पता है कि हमारी बॉडी के अंदर 70% तक पानी होता है, तो हम खाने से पहले पानी की बात करेंगे। तो गाइस, गर्मी का मौसम है, सबसे पहले कम से कम एक आदमी एक दिन में कम से कम 6 लीटर पानी ज़रूर से ज़रूर पिए। अगर आप ग्लास यूज़ कर रहे हैं, नाप तौल नहीं कर सकते, तो कम से कम एक दिन में 12 ग्लास पानी ज़रूर से ज़रूर पिए। और सुबह उठते ही मैं अब कुछ चीज़ नोट कर रखा हूँ अपने पास, सुबह उठते ही आपको क्या करना है, सुबह उठते ही आपको गर्म पानी पीना है। जैसे ही आपका आँख खुलता है आप 2 ग्लास गर्म पानी पीजिए, फ्रेश होजिए और फिर ही घर से निकलिए किसी भी तरह ट्रेनिंग के लिए। अच्छे से फ्रेश होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप रनिंग करेंगे और अगर पेट आपका अच्छे से खाली नहीं हुआ होगा, अगर आप अच्छे से फ्रेश नहीं होंगे या फिर आपके पेट के अंदर में कोई अनडाइजेस्टेबल खाना पड़ा है, तो वो आपको रनिंग करने में काफ़ी हद तक तकलीफ देगा। जैसे कि आप तेज़ रनिंग करेंगे तो आपको पेट में प्रेशर सा लगेगा और आप कम्फर्ट फील नहीं कर पाएंगे रनिंग में। तो फ्रेश होना गर्म पानी पी करके बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्म पानी पीने से फ्रेश होने में आपको काफ़ी हेल्प मिलता है, आपका पेट भी साफ रहता है। तो अब हम अपने डाइट पे स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज़ आप अपना प्रोग्राम अगर मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं तो संडे से ही अपने डाइट प्रोग्राम को रेडी करना है। जैसे आप मंडे से अप्लाई करने वाले हैं अपने डाइट को अपनी बॉडी पे, तो संडे से ही आपको रेडी कर लेना है अपने डाइट की, कल के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पहले से तैयार करके रखनी है। तो जैसे कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्प्राउट्स की बातों पे। तो आप अगर मंडे को सुबह डाइट अपने बॉडी पर अप्लाई कर रहे हैं तो संडे रात में ही आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, आप क्या करेंगे, तो स्प्राउट्स स्टार्ट करेंगे। स्प्राउट्स में आप देखिए चने का यूज़ करेंगे, ठीक है, ये चना है, चने का यूज़ करेंगे। आप कम से कम आप 2 मुट्ठी से कम 1 मुट्ठी से ज़्यादा चना भिगो लें पानी में, और साथ ही चने के साथ आप फिर ये पीनट, जिसको कि चिनिया बादाम बोलते हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। बिहार में इसको चिनिया बादाम बोला जाता है और इसको पीनट बोध भी बोलते हैं, तो ये यूज़ कीजिए। और साथ में साबुत मूंग ये यूज़ कीजिए, साबुत मूंग भी आप यूज़ कर सकते हैं स्प्राउट्स के लिए। और किशमिश यूज़ कीजिए, किशमिश आपके रनिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। तो किशमिश ताकत भी देता है और टेस्टी भी काफ़ी होता है, तो इसको भी आप अपने स्प्राउट्स में ज़रूर यूज़ कीजिए। तो आप 1 मुट्ठी चना, फिलहाल क्योंकि आइटम ज़्यादा है तो आप अपने स्प्राउट्स को कैसे तैयार करें, 1 मुट्ठी चना डालेंगे और 1 मुट्ठी पीनट डालेंगे और 1 मुट्ठी आप मूंग डालेंगे और 1 मुट्ठी से थोड़ा सा कम आप किशमिश डालेंगे। ये 4 चीज़ डालने के बाद उसमें आप कम से कम बादाम डालेंगे आधी मुट्ठी। बहुत लोग बादाम बोलते हैं कि 6 बादाम या 4 बादाम, तो गाइस यंग एज के हैं हम लोग, हमें अपनी ट्रेनिंग करनी है, रनिंग करना है, तो बादाम के नाम पे ये नहीं कि सर बादाम खा रहे हैं, 4 पीस खा रहे हैं, 6 पीस खा रहे हैं। कम से कम अगर आप लड़की हैं आप यूज़ कर रहे हैं तो आप कम से कम 12 बादाम खाएं और बॉयज कम से कम 18 या 20 बादाम ज़रूर ही ज़रूर लें, क्योंकि बादाम के नाम पे सिर्फ खिलवाड़ नहीं करना है कि 2 बादाम खा लिए 4 बादाम खा लिए, ऐसा नहीं है करना है आपको। बादाम की क्वांटिटी कम से कम गर्ल्स 12 और बॉयज 18 या 20 लें। तो ये स्प्राउट्स आप रात में भिगोने के लिए दे देंगे। भिगोने के बाद आप सुबह उठ के गर्म पानी पी के फ्रेश होकर के आप जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए। इसको साथ में अगर पॉसिबल हो तो पैक करके ले जाएं, अपना स्प्राउट्स जो रात भर में तैयार हो चुका है भिगो करके वो फूल चुका है, तो उसको आप किसी टिफिन बॉक्स में पैक करके ग्राउंड लेके जाएं, क्योंकि ट्रेनिंग के जस्ट तुरंत बाद, ट्रेनिंग ऑफ होते ही, स्ट्रेचिंग वगैरह होते ही, ख़त्म होते ही, अगर आप थोड़ा सा रेस्ट 10-15 मिनट का रेस्ट के बाद
अगर आप स्प्राउट्स खाते तो उसका एक अलग ही बेनिफिट मिलेगा, शरीर में तुरंत ही आपको ऊर्जा मिलेगी और ताकत मिलेगी। क्योंकि अमूमन बहुत लोग ऐसे हैं जो दूर से ट्रेनिंग करने आते हैं, तो ट्रेनिंग करने के लिए आ रहे हैं और ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद बस जाते जाते उनको एक डेढ़ घंटा हो जाता है, तब तक में वो बॉडी में कुछ नहीं ले रहे, इनटेक नहीं कर रहे, तो जस्ट तुरंत रिपेयर के लिए, मसल्स रिपेयर के लिए। और ये स्प्राउट्स आप ज़रूर से ज़रूर ग्राउंड में ही खा लें, थोड़ा रेस्ट करने के बाद ग्राउंड में ही खा लें। जैसे ही आप ग्राउंड से निकलते हैं अपने घर की ओर जाने के लिए, तो आप रास्ते में ही कोई जूस अलग अलग तरह के, आप मौसमी का जूस भी पी सकते हैं, अनार का जूस भी पी सकते हैं, मिक्स जूस भी पी सकते हैं, तो इस तरह के जूस को आप यूज़ करें। रोज़ आप चेंज कर सकते हैं एज़ पर योर कम्फर्ट। आपको लगता है कि भाई एक चीज़ पी के आप बोर हो गए, तो जूस में आप चेंजेस कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो सिर्फ आपको एक चीज़ का परहेज करना है, स्प्राउट्स में आप चना यूज़ नहीं करेंगे। मेरे तरह लोग और जो अमूमन नॉर्मल हेल्थ के हैं तो वो चना ले सकते हैं स्प्राउट्स में, लेकिन जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं वो स्प्राउट्स के अंदर में सिर्फ चना को स्किप करेंगे, बाकी सारी चीज़ें डालेंगे। क्योंकि चना का फ़ायदा और नुकसान दोनों है। चना का फ़ायदा ये है कि ये दौड़ने में आपको स्टेमिना देगा, मजबूती देगा, ब्रीदिंग सिस्टम पे भी कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल है, जो सांस फूलता रेडिंग में उसमें भी काफ़ी हेल्प होगा। किशमिश भी सेम सांस फूलने पे भी हेल्प करता है। और लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि ये वजन को रोक के रखता है। हालांकि ये नुकसान नहीं, ये एक फ़ायदा है इसका कि ये वजन आपको घटने नहीं देता है। लेकिन पर्टिकुलर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका बहुत ज़्यादा वजन है और उसको ट्रेनिंग के साथ साथ रनिंग भी लानी है और अपना वजन भी कम करना है, तो वो स्प्राउट्स में चना का यूज़ ना करें, क्योंकि चना जो है वजन कम नहीं होने देता है, ये बॉडी में वजन को रोक के रखता है। तो इसलिए जो ज़्यादा फैटी हैं, जो ज़रा सा मोटे हैं, वो चना को स्किप करेंगे स्प्राउट्स में, बाकी सारी चीज़ें लेंगे। अब बात आ जाती है आपकी, जब आप ग्राउंड से चले गए, रास्ते में आपने जूस भी पी लिया स्प्राउट्स खाने के बाद, अब आप पहुंचते हैं अपने घर। तो आपको एक ब्रेकफास्ट चाहिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट चाहिए। ब्रेकफास्ट का भी नेचर दो तरह का होगा, जो ज़रा सा फैटी हैं उनका ब्रेकफास्ट डिफरेंट होगा, और जो मेरे जैसे हैं ज़रा सा बहुत ज़्यादा पतले हैं या नॉर्मल हेल्थ के हैं, तो उनका ब्रेकफास्ट ज़रा सा डिफरेंट होगा। सबसे बात करते हैं सबसे पहले हम अपने जैसे लोगों के लिए, जो बहुत ज़्यादा पतले भी हैं और फिट भी हैं, तो उनका ब्रेकफास्ट कैसा होगा। वो पीनट बटर, ब्रेड, अंडा, केला, दूध, ऐसी चीज़ों का सेवन ब्रेकफास्ट के अंदर में कर सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो बहुत तरह की चीज़ें हैं नॉन वेज में, वो भी मैं धीरे धीरे डिस्कस करूँगा, वो ले सकते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन हैं, अंडा प्रेफर नहीं करते हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं खुद भी वेजिटेरियन हूँ, मैं खुद भी अंडा यूज़ नहीं करता हूँ, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, हम नॉनवेज नहीं ले रहे हैं, तो हमें कोई कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने डाइट से, ऐसा कोई बात नहीं है। वेजिटेरियन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको खा करके आप अपना फिजिकल बहुत आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेजिटेरियन लोगों की बात करते हैं, तो आप जो ब्रेकफास्ट है उसमें पीनट बटर, ब्रेड और मिल्क ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, इतनी सी चीज़ें ले सकते हैं। आप साथ में आप फ्रूट चाट भी ले सकते हैं। फ्रूट चाट डेट मीन्स कि 4-5 तरह के फ्रूट्स रखिए, उसको कट कर लीजिए छोटे छोटे पीसेस में, और किसी बाउल में अपने स्वादानुसार आप नमक डाल दें या बिना नमक के भी आप उसको खा सकते हैं। और साथ ही आप जब ये ब्रेकफास्ट अपना कर लेंगे, 4-5 तरह के फ्रूट्स में क्या क्या होना चाहिए, सेब होना चाहिए, अगर ऑरेंज है तो सबसे बढ़िया है कि ऑरेंज में विटामिन सी होता है जो कि आपकी रनिंग में भी काफ़ी हेल्प करेगा, ऑरेंज होना चाहिए। ग्रेप्स आप रख सकते हैं, अंगूर, और आप बनाना रख सकते हैं, पपीता रख सकते हैं, अनार रख सकते हैं, चीकू सबसे इम्पॉर्टेंट है रनिंग के लिए, चीकू भी काफ़ी हेल्प करेगा, तो चीकू भी रख सकते हैं। इस तरह के 4-5 फल को आप छोटे छोटे पीसेज में कट करके अपना एक फ्रूट चाट तैयार कर लें, जो कि आप ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में मैंने बताया आपको पीनट बटर, ब्रेड, दूध हो सकता है, ये ले सकते हैं साथ में। बहुत लोग ऐसे हैं कि भाई एक रोज़ पीनट बटर ब्रेड खाते हुए परेशान हो गए, कुछ चेंज करना है, तो मैं आपको 4-5 चीज़ बता के चलता हूँ जिसको आप अल्टरनेट डेज पे चेंज करके खा सकते हैं। तो चेंज में क्या करेंगे, आप दलिया ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, कभी दलिया ले लें, कभी आप ओट्स ले लें, कभी आप मूंग दाल की खिचड़ी भी ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के अंदर में, तो इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। कभी आप कॉर्नफ्लेक्स और दूध भी ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के अंदर में, तो ये भी आप ले सकते हैं। ये सबसे पहले आप ग्राउंड में आके आपने अपना स्प्राउट्स खाया, फिर आप रास्ते में एक जूस पिए, फिर घर जाने के बाद आपने जो मैंने आपको ब्रेकफास्ट बताया है वो लिया। इसमें सिर्फ जो मोटे लोग हैं वो सिर्फ दो चीज़ का परहेज करेंगे, पीनट बटर, ब्रेड और केला, ये स्किप करेंगे, बाकी सेम आपका जो ब्रेकफास्ट है वो सेम रहेगा। सिर्फ आपको पीनट बटर विथ ब्रेड नहीं लेना है, दूसरा चीज़ आपको केला नहीं खाना है, आलू का किसी तरह का सामान कोशिश करें कम से कम खाएं, बाकी
सेम आपका ब्रेकफास्ट रहेगा, दलिया हो सकता है, कॉर्नफ्लेक्स हो सकता है, ओट्स हो सकता है, फ्रूट चाट्स में हो सकता है, दूध हो सकता है। अगर आप एग लेते हैं तो एग वाइट लें, पीला वाला पार्ट मोटे लोग हटा दें, जो ज़रा सा फैटी हैं वो पीला वाला पार्ट नहीं लेंगे। और जो नॉर्मल लोग हैं और एग पसंद करते हैं तो एग वाइट ले सकते हैं, एग वाइट खा सकते हैं पीले वाला पार्ट हटा करके। और जो पतले लोग हैं वो पीला वाला पार्ट भी खा सकते हैं, क्योंकि वो वज़न बढ़ाने में हेल्प करेगा आपका, और साथ ही आपकी बॉडी में प्रोटीन की भी पूर्ति करेगा। और प्रोटीन की पूर्ति के लिए मैंने दिखाया आपको कि स्प्राउट्स के अंदर में भी, जैसे बादाम है, ये है, पीनट है, चना है, मूंग है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिक्स विटामिन हैं इसके अंदर, जबकि बॉडी के अंदर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फास्फोरस, कैल्शियम, हर तरह की चीज़ों को पूर्ति करेगा। अब हम आ जाते हैं अपना दोपहर का लंच का। लंच में आप क्या करेंगे, लंच में आप ज़्यादा से ज़्यादा परहेज करेंगे आलू की सब्ज़ी से। आलू कम से कम खाएंगे, बहुत ज़्यादा अमूमन बहुत जगह होता है कि सब्ज़ी में ज़्यादातर आलू ही बनता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आलू कम से कम खाएं। ग्रीन वेजिटेबल आप ज़्यादा से ज़्यादा लें, हरी सब्ज़ियाँ अगर ज़्यादा से ज़्यादा है तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको उसमें से काफ़ी हद तक विटामिन्स मिल जाते हैं हरी सब्ज़ियों से, तो मल्टी विटामिन्स उसके अंदर में काफ़ी पाया जाता है। तो हरी सब्ज़ियाँ ज़रूर से ज़रूर लें, और चपाती लें, रोटी लें आप, और साथ ही आप छाछ ले सकते हैं। तो आपका क्या होगा, हरी सब्ज़ियाँ, रोटी, छाछ और दाल, दाल ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। भले ही रोटी अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं तो रोटी दो कम कर दें, उसका जो कवर है आप दाल से करें, दाल एक्स्ट्रा पी लें। दाल आपके शरीर में प्रोटीन की पूर्ति करेगा और आपको मेहनत करने में भी काफ़ी हेल्प करेगा, और साथ ही दाल इजी वे में डाइजेस्ट भी है। अगर आप दाल पी रहे हैं तो डाइजेस्ट करने में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया आपका लंच। अब हम आ जाते हैं आपका इवनिंग टाइम। इवनिंग में भी आप वर्कआउट कर रहे हैं अगर, तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बिहार एसआई के लिए हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो इवनिंग का वर्कआउट भी आप अगर 5 बजे से स्टार्ट करते हैं या 4 बजे से स्टार्ट करते हैं, तो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो लंच है वो 1 बजे से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1 बजे से पहले अपना लंच कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 4 घंटे के बाद फिर आपको इवनिंग में ट्रेनिंग करनी है, तो आपका पेट में जो भी खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। और ट्रेनिंग पे जाने से पहले फिर से आप एक बार फ्रेश ज़रूर हो लें, ताकि आप ट्रेनिंग करते वक्त आपको पेट में दर्द ना हो, तेज़ रनिंग करते वक्त आपको प्रेशर फील ना हो, आप कम्फर्ट फील करें, अनकम्फर्ट फील ना करें ट्रेनिंग के दौरान, तो इसलिए आप फ्रेश होकर ज़रूर जाएँ। अब मैंने बताया कि जैसा शाम में ट्रेनिंग के जस्ट तुरंत बाद, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस तरह से आप ट्रेनिंग मॉर्निंग में ट्रेनिंग के समय आपने भीगा हुआ स्प्राउट्स खाया था, अब इवनिंग में भी कुछ ऐसा ही करना है। ट्रेनिंग के जस्ट तुरंत बाद आप कुछ क्या लेंगे, तो ट्रेनिंग खत्म होने के जस्ट तुरंत बाद आप ये लेंगे भुना चना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके ब्रीदिंग सिस्टम के लिए भी और आपके ताकत के लिए भी। भुना चना आप ज़रूर खाएँ गुड़ के साथ, टेस्ट भी बहुत लो होता है कि भुना चना ऐसा नहीं खा सकते हैं, तो गुड़ जो कि आपके ब्रीदिंग सिस्टम पे भी काफ़ी हद तक फ़ायदा करेगा, रनिंग करने से जो धूल वगैरह जम जाती है उसको भी काफ़ी हद तक ये रिकवर करता है, निकाल देता है मलमूत्र के मल के थ्रू। तो क्योंकि आप देखे होंगे बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज होती है रुई का जहाँ पे काम होता है, जहाँ पे गद्दे बनते हैं या ऐसा कुछ बनते हैं, जहाँ धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है, तो वहाँ के वर्कर्स को गुड़ दिया जाता है खाने के लिए, ताकि जितनी भी धूल मिट्टी धूल कण उनके नाकों में या उनके फेफड़ों में जमा है तो गुड़ के थ्रू वो सारा चीज़ बाहर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शाम में ट्रेनिंग करने के बाद भुना चना और गुड़ ज़रूर लें, साथ ही अगर आप एक गिलास दूध भी और ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो भुना चना, गुड़ और एक ग्लास दूध, ये आप दूध भी देख सकते हैं, दूध ताज़ा हो गाय का तो ज़्यादा बेटर है, वरना अमूल का जो पैकेट वाला दूध आता है वो भी ठीक है। एक मिथ है कि अमूल का दूध पैकेट वाला ठीक नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है, अमूल का दूध भी पैकेट वाला यूजेबल है, ठीक होता है, आप वो लें। मैंने यहाँ पे काजू रख रखा है, काजू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हर कोई खाएं इसको। काजू में क्या है कि एक बेनिफिट इसका ये होता है, ये गुड फैट में आता है, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट होता है ये, तो ये गुड फैट की गिनती में आता है। इसको आप जो बहुत ज़्यादा पतले हैं वो जल्दी वेट बढ़ाना चाहते हैं तो काजू का सेवन कीजिए, नहीं तो फिजिकल ओरिएंटेड ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आपको काजू खाना ही है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है। काजू का काम सिर्फ फैट को इंक्रीज़ करना है, स्किन के लिए अच्छा है, हेयर के लिए अच्छा है, तो अगर आप पतले हैं तो आपको जरा सा फैट बढ़ाने के लिए भी, क्योंकि गुड फैट में इसकी गिनती होती है, तो आप इसको ले सकते हैं काजू को। अब मैं 2 अहम चीज़ की बात कर रहा हूँ आपके रनिंग में जो बहुत हेल्प करने वाला है, वो है खजूर और अंजीर। बिलीव मी गाइस, ये 2 आइटम सिर्फ, अगर आप ये सारों को लें तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप रनिंग कर रहे हैं और आपका अगर सांस फूलता है तो आप सिर्फ और सिर्फ 7 दिन ही इस चीज़ को ट्राई करके देखना। आप कम से कम 2 या 3 अंजीर सुबह ट्रेनिंग के बाद, जब मैंने आपको बताया कि ब्रेकफास्ट करना है, चना खाना है, और ब्रेकफास्ट के समय में ही जब आप ले रहे हैं तो आप 3 अंजीर और 3-4 खजूर, ये आपको सूखे सूखे दिख रहे होंगे,
तो ये छुआरा नहीं है, बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं छुआरे और खजूर में। छुआरा जो है वो सख्त होता है, बहुत टाइट होता है, उसको दूध में फुला के खाते हैं या पानी में रात में भिगो के खाते हैं। बट जो खजूर होता है वो गीला और नरम होता है। तो अलग अलग तरह के खजूर आते हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का खजूर है, ये दिल्ली चांदनी चौक से मैंने लिया है और काफ़ी कॉस्टली भी होता है बट काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ये लगभग ये मार्केट में अलग अलग रेट में अवेलेबल है, ये 200 रुपये किलो तक भी मिल जाता है, लेकिन जो ये वाला पीस है ये 800 रुपये किलो का पीस है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है और ये आराम से इस तरह से टूट रहा है। अगर ये होता छुआरा होता तो ऐसे टूटता नहीं। तो इसको आप ज़रूर यूज़ करें रनिंग में। 4 खजूर सुबह आफ्टर ट्रेनिंग ब्रेकफास्ट के दौरान आप ले सकते हैं, और स्टार्ट करें आप 3-2 अंजीर से स्टार्ट करें, क्योंकि गर्म होता है दोनों आइटम, ऐसे ही गर्मी का मौसम चल रहा है तो जरा सा उसी तरह से खाना है इसको। तो 2 से स्टार्ट करें धीरे धीरे, अगर आपको लगता है कि आपके चेहरे पे फुंसी नहीं आ रही और आप अच्छे से डाइजेस्ट कर रहे हैं तो आप 2 की जगह इसको 3 कर दें। तो 3 अंजीर और 3-4 खजूर सुबह और रात में भी, ये सुबह भी खाएं और रात में भी खाएं ट्रेनिंग के बाद, जब आप रात में रात का लंच जो कर रहे हैं। अब जैसे मैंने ये बताया दी, अब सबसे पहले हम शाम की बात कर लिए थे कि शाम में आपको भुना चना और गुड़ और दूध लेना है। अब हम आते हैं आपका डिनर टाइम पे। डिनर ज़रा सा लाइट होना चाहिए आपका, डिनर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना है आपको, लेकिन फिर भी 2 रोटी हरी सब्जी आप लेंगे। रात में आप छाछ का सेवन नहीं करेंगे, किसी भी तरह का सलाद का सेवन नहीं करेंगे या फल का सेवन नहीं करेंगे। आपको रात में बस नॉर्मल दाल पी सकते हैं आप, 2 रोटी खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं, इतना ही खा करके आप आराम से थोड़ा टहलने के बाद 3 खजूर 3 या 4 खजूर 2 या 3 अंजीर अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, आपको धीरे धीरे 2-3 दिन में पता चल जाएगा कि 2 लेना है या 3 लेना है, कि डाइजेस्ट करने हर किसी की बॉडी अलग होती है, इसलिए मैं पर्टिकुलर ये नहीं बोल रहा हूँ कि 4 खा लो या 2 खा लो, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, स्टेमिना अलग अलग होता है, कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये लेना है। मिनिमम 2-2 तो ले ही सकते हैं, बाकी इसको बढ़ाना है आगे आपको धीरे धीरे देखते हुए कि आप अगर इजी वे में डाइजेस्ट कर रहे हैं तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये लेने के बाद रात में इसको चबा चबा के खाना है। बहुत लोग बोलते हैं कि भिगो के खाना है, आप भिगो के खाने से क्या होता है इसका टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है, गिलविलासा हो जाता है ये, तो बहुत लोग पसंद नहीं करते। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप भिगो के नहीं खा पा रहे तो आप सूखा भी खा लें, 2 या 3 ये खा लें, 3 या 4 ये खा लें, चबा चबा के खाएं, और 1 गिलास गर्म दूध लगभग 0.5 लीटर दूध आप इसको पिए। पीने के बाद फिर आप थोड़ा टहल वहल के रात के 10:30-11 बजे तक आप सो सकते हैं, क्योंकि आपको मॉर्निंग सुबह से फिर 5 बजे उठ के सेम रूटीन फॉलो करना है। अब आप मॉर्निंग में जब आपको मैंने बताया था ब्रेकफास्ट, फिर आपका मॉर्निंग का लंच बताया, तो लंच में आपको एक चीज़ नहीं बताया है मैंने, सैलेड। लंच में आप ज़्यादा से ज़्यादा सलाद भी यूज़ करें, सलाद बॉडी में पानी की पूर्ति भी कर देता है। अभी तरबूज खरबूज ये सब चीज़ें आ रखी हैं, सीजनल चीज़ है, वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। आम आ रखा है तो आम भी आप खा सकते हैं, तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। और आपका जो भी डाइट प्रोग्राम था ऐसा ही था, गर्म पानी का सेवन ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि गर्म पानी आपके बॉडी के जितनी भी टॉक्सिक है उसको बाहर करता है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, सांस फूलता है उसमें हेल्पफुल होगा गर्म पानी। जो आपके नस ब्लॉकेज हैं, जो स्ट्रेचिंग में आपको काफ़ी अकड़न होती है बॉडी में, तो गर्म पानी इसमें भी काफ़ी हेल्प करता है, नसों का ब्लॉकेज भी आपका वो काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो ओवरऑल गर्म पानी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर मैं फ़ायदे बताने पे आऊँ तो हज़ारों फ़ायदे हैं गर्म पानी के, लेकिन फिर भी आप सिर्फ एक फ़ायदा ये समझिए कि आपके फिज़िकल में गर्म पानी का अहम रोल हो सकता है, आपके पेट को साफ़ करने में उसका अहम रोल है, और पेट साफ होने पर रनिंग काफ़ी ईजी और कम्फर्ट में हो सकता है, तो गर्म पानी आप ज़रूर यूज़ करें। और गाइज़, अगर किसी भी तरह का आपको डाइट से रिलेटेड कुछ पूछना हो, समझना हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, नीचे डिटेल में हमारा नंबर शो रहा है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ज़्यादातर डाइट जो मैंने डिस्कस किया है वो वेजिटेरियन डाइट डिस्कस किया है, नॉन वेजिटेरियन डाइट डिस्कस नहीं किया है। कि नॉन वेजिटेरियन इसलिए डिस्कस नहीं किया है कि फिजिकल में नॉन वेजिटेरियन डाइट की उतनी आवश्यकता नहीं है। मसल्स ओरिएंटेड ट्रेनिंग में जब हमें मसल्स ग्रो करना है तो हमें मीट चाहिए या हमें मछली चाहिए या फिर हमें ऐसा क्या चाहिए, इसमें क्या है कि इंटरनली पावर चाहिए आपको, रनिंग करना है, लाइट वेट लॉस प्रोग्राम को लेके चलना है, इस कारण से मैंने किसी भी तरह का पनीर या चिकन या मटन ऐसा कुछ नहीं बताया। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि भाई सप्ते या 2 सप्ते में चाहिए होता है, तो सप्ते में 1 या 2 दिन आप लंच में, ना कि डिनर में, लंच में, क्योंकि डिनर में फिर वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, आप लंच के समय में फिश वगैरह ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। तो और बाकी अगर किसी भी तरह का आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे से हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आपके कमेंट का हम जवाब कमेंट करके भी दे सकते हैं और वीडियो बना के भी हम आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, इस डाइट को आप ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें, आपको विद इन 7 डेज ही इस डाइट का इफेक्ट अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में दिखेगा, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। तो गाइस ज़रूर से ज़रूर, खास करके ये 2 आइटम खजूर
और अंजीर परचेस कर लें आज ही जाके, तो क्या कि क्योंकि रनिंग में काफ़ी कम टाइम है, बिहार दरोगा के रनिंग में सिर्फ 25 दिन मिला है, तो अपने डाइट का खास करके अच्छे से ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच गाइस, खजूर बहुत अच्छा है, खा कर बाय बाय।